अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हम सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शबाना आजमी साहिबा। आप दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर हैं। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है। मैडम, आप कांग्रेस पार्टी में क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, फिर आप ऐसी पार्टी में क्यों हैं जो 70 सालों में देश को लूट रही थी? देखिए, मोदी जी तो बोलने वाली पार्टी है, वो बोलते ही रहते हैं, लेकिन पब्लिक को पता है कि 70 सालों में ये कैमरा, मोबाइल और कंप्यूटर और जितने भी एजुकेशन और ये मेट्रो और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कांग्रेस की देन है। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में क्या था, अंग्रेजों ने क्या छोड़ा था, ये पूरी जनता को पता है, पूरी दुनिया को पता है। और जो भी तरक्की हुई है आज हिंदुस्तान में वो कांग्रेस की ही देन है। और 70 सालों में ये सब चीज़ें जो भी हैं वो कांग्रेस ने ही दिया है। तो 4 सालों में मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ आपको बेरोजगारी दिया है उन्होंने, और नोटबंदी दी है, और गरीबी और बेकारी दी है, और धर्म के नाम पे बांटा है लोगों को, ये है। मैडम, कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उनकी एक इमेज पप्पू की तरह पेश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो एक नाकारे, निकम्मे और नाअहल मतलब देश के तौर पे एक लीडर साबित हो रहे हैं, उसे किस तरह आप देखती हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे राजीव गांधी जी का हत्या हुआ था तो एक माँ अपने बेटे को राजनीति से दूर ही रखेगी, कोई भी माँ हो, और सोनिया गांधी जी ने राजनीति से दूर रखा उनको, जिसके कारण वो राजनीति के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जब से उन्होंने जानना शुरू किया है और राजनीति में वो आए हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और वो डरते हैं बीजेपी की सरकार, मोदी जी जो हैं वो डरते हैं राहुल गांधी से, तो इसलिए वो अपने डर को बताने के लिए वो पप्पू बोलते हैं, ताकि वो खुद अपना पप्पूपना को छुपा कैसे सके, इसलिए वो पप्पू बोलते हैं। बाकी राहुल गांधी हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं और उनके अंदर वो सब कुछ है, और जो मोदी जी के अंदर है वो नहीं है, झूठ और छलावा और बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध देना पब्लिक को और मुंह पे झूठ बोलना, वो चीज़ें मोदी जी के ही अंदर हो, ताकि हम उनसे बच सकें, आने वाले 1 साल के बाद हम उनसे मुक्त हो सकें और गांधी परिवार जो है वही देश चला सकती है। अदरवाइज किसी के अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो देश चलाए, किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। मैडम, आप गांधी परिवार को देश चलाने की बात कर रही हैं, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी है जो कांग्रेस और भाजपा से हट करके देश चलाने की बात कर रहा है। देखिए, ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो वो दलाल हैं, आरएसएस के दलाल हैं, जो पैसों के बल पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं। उनकी खुद की अपनी तो कोई वजूद नहीं है, वो चाहे तो वहाँ पे इलेक्शन लड़े जहाँ पे बीजेपी की मजबूत कैंडिडेट हो, वहाँ पे अपने कैंडिडेट को उतारे, तब मैं जानूँ कि हाँ वो एक मजबूत लीडर है। वो वहीं पर उतारते हैं जहाँ पे कांग्रेस को चोट पहुँचे, कांग्रेस को नुकसान हो, और हम उन मुसलमानों को और उन दलितों को और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन हिंदुओं को, मैं मतलब हर कास्ट को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब संभल जाएं, अपने वोट ना बांटें और वो सीधा सीधी कांग्रेस को वोट करें, ताकि इस देश को एक मजबूत विपक्ष, वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही इस देश को आगे ले जाएगी, युवाओं को, महिलाओं को और देश को, सबको आगे बढ़ाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है और किसी में भी नहीं है। मैडम, आप कांग्रेस की बार बार बात कर रही हैं, 2019 के लोकसभा इंतखाबात बिल्कुल सामने हैं, दिल्ली में आपका जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होगा, एक तरफ भाजपा होगी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो 68 सीटों के साथ दिल्ली पर काबिज है, आप क्या करेंगी उस वक्त? देखिए, वो तो वक्त बताएगा, जनता बताएगी, क्योंकि जनता को जिस भावना के साथ, जिस इमोशनल के साथ केजरीवाल ने वोट मांगा था, उसमें से एक भी जर्रा वो खरे नहीं उतरे हैं, तो यहाँ की जनता ये जान चुकी है। और सत्ता तो परिवर्तन का नाम ही है, 10 साल कांग्रेस थी, इसलिए लोगों ने सोचा कि एक बार बदल के देखते हैं, नई पार्टी है, केजरीवाल अन्ना हजारे की पार्टी है, सच्चाई की पार्टी है। लेकिन पब्लिक के लिए, जनता के लिए केजरीवाल जी थोप देते हैं कि बीजेपी मुझे ये नहीं करने दे रही है, वो नहीं करने दे रही है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि राजा जो वही हो जो प्रजा की हिफाजत करे,
राजा खुद हथियार डाल दे, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए बीजेपी के सामने, तो ऐसे ऐसे राजा की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मैडम, इस बात से आप इनकार कर सकती हैं कि आम जनता भी मानती है कि दिल्ली में एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, वो बेहतर हुआ है, फिर आप कैसे कह रही हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है? मैं कहती हूँ कि अपने आंखों से हॉस्पिटल चलो, मैं दिखाती हूँ सच्चाई केजरीवाल की, और हॉस्पिटल के साथ मैं स्कूल चलती हूँ, उन 10 स्कूलों को छोड़ के जिनको इन्होंने मॉडल बनाया है जो दिखाने के लिए, बाकी स्कूलों के साथ क्यों सौतेलापन इन्होंने किया हुआ है, यही चलिए आपने आसपास के स्कूलों में चलिए, हम आपको दिखाते हैं बदहाली। तो क्या आप ये मान रही हैं कि जो वीकर सेक्शन के इलाकों में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों पर केजरीवाल सरकार की कोई तवज्जो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्या मतलब बैकवर्ड के साथ, दलितों के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है? क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है ना, केजरीवाल जो है उसका कहीं ना कहीं तार उसको लाया ही है बीजेपी ने केजरीवाल को, और ये जो ओवैसी साहब है इनको भी कांग्रेस और ये कांग्रेस के खिलाफ उतारने के लिए ओवैसी सरकार, ये ओवैसी जो है वो अपना एजेंडा जितने भी हैं वो सब कांग्रेस के खिलाफ एजेंडा उठा रहे हैं। तो 2019 में आप क्या अपेक्षा करते हैं, आपको क्या लगता है देश को किस समय में जाना चाहिए? देखिए, देश समझदार है, जनता समझदार है, वो कांग्रेस को 100% लाएगी। अगर मशीनों से घोटाला नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार आएगी, और मशीनों में घोटाला हुआ तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मशीनों के घोटाले की बात आपकी पार्टी के मुखिया क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, उनको बोलने का मौका ही नहीं संसद में दिया जाता, वो तो बोलते हैं मुझे 15 मिनट दिया जाए सिर्फ बोलने के लिए, वो तो कह ही रहे कि 15 मिनट दिया जाए, उनको देते ही नहीं ये लोग, डरते हैं। भाई सरकार जब विपक्ष में आप लोग हैं, आपकी पार्टी के इतने सांसद हैं, 15 मिनट ले लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? नहीं देते ना, बोलने ही नहीं देते ये लोग।